हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारी आज की वीडियो है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर है। दोस्तों, इसका जो बल्ब है फ्यूज हुआ है, तो अभी इसको कैसे चेंज करना है और अभी हम आप इसी वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो आप लिफ्ट देख रहे हो, इसके सहारे से हम दोस्तों अपनी लाइट के पास पहुँचेंगे। ये आप देख रहे हो, ये वही लाइट है जिसका हमने बल्ब चेंज करना है। इसका दोस्तों आप हाइट देख रहे हो, इसका मैक्सिमम 10 मीटर के करीब दोस्तों इसकी हाइट है। तो इसको हम ओपन करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमको 4 mm की लेंकी की ज़रूरत पड़ेगी। आसानी से इसका कवर खोल लेंगे और लेफ्ट साइड में दोस्तों एक लॉक लगा हुआ है, उसके सारे में हम इसको कवर को छोड़ देंगे। इसका जो आप इग्निटर देख रहे हो, इसका इग्निटर का 70 to 400 watt तक दोस्तों इसकी लिमिट है। तो इसका जो इग्निटर है वो भी जला हुआ है, तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। इसकी एक वायर दे देंगे ट्रांसफार्मर में और एक बल्ब में चली जाएगी। दोस्तों, हमारा जो इग्निटर चेंज हो चुका है, इसका जो बल्ब है, इसका बल्ब का जो वोल्टेज है वो 250 है, ओसराम की लाइट है जी। तो इसके थ्रेड है दोस्तों, आराम से इसको हम उसके ऊपर टाइट कर लेंगे होल्डर के ऊपर। इग्निटर को अपनी जगह पे फिक्स कर लेंगे। जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी 250 वोल्टेज है, लेकिन ट्रांसफार्मर दोस्तों गुड कंडीशन में है। तो अभी हम सेम पोजीशन में इसको बंद कर लेंगे लॉकों को। और जो आप जो लेड लाइट देख रहे हो, ये लाइट वाटरप्रूफ है। दोस्तों, वैसे इसकी जो बल्ब की लाइफ है वो तो 5-7 ईयर तक दोस्तों ये काम करता है। इसके साथ में दोस्तों लिंकी नाट दी, उसको इसी तरह से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो बल्ब है प्रॉपर काम कर रहा है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और ताजो आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।